अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम पोरीफेरा यानी स्पंजस पे बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। फाइलम पोरीफेरा एक डाइवर्स फाइलम है। स्पंजस की हमें लगभग 5,000 स्पीशीज़ का मालूम है, जिनमें ट्यूब स्पंजस, वेज स्पंजस, बैरल स्पंजेस और ड्रॉप स्पंजेस वगैरह शामिल हैं। स्पंजेस सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स समझे जाते हैं और सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। 5,000 में से 150 लगभग ऐसी स्पीशीज़ हैं जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, जबकि बाकी मरीन वाटर या खारे पानी में रहती हैं। स्कॉलीमास्ट्रा जुबिनी या बैरल स्पंज सबसे बड़ा स्पंज है जिसका हमें मालूम है। स्पंज बॉडी टू लेयर्स पर मुश्तमिल है। आउटर लेयर को पिनाकोडर्म कहते हैं। अगर इस वर्ड की एटमोलॉजी देखें तो पिनाको ग्रीक वर्ड पिनाक्स से निकला है, जिसका मतलब है एक बोर्ड, टैबलेट या तख्ता जिसके ऊपर डिज़ाइन इंग्रेव्ड हो। और डर्म ग्रीक वर्ड डर्मा से निकला है, जिसका अमूमन मतलब तो स्किन है, लेकिन हम इसे इंटेग्यूमेंट या लेयर ऑफ एनिमल सेल्स भी कह सकते हैं। पिनाकोडर्म के सेल्स को पिनाकोसाइट्स कहते हैं। इनर लेयर को हम क्वाइनोडर्म कहते हैं। क्वाइनो एक ग्रीक रूट से निकला है जिसका मतलब है फनल या उर्दू में कीफ। इसके सेल्स को कॉलर सेल्स कहते हैं और क्योंकि इन कॉलर सेल्स की शक्ल एक फनल से मिलती है, हम इन्हें क्वाइनोसाइट्स भी कहते हैं। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 6 में आप क्वाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ चुके हैं और अब आप स्पंजेस के कॉलर सेल्स के साथ इनकी स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस देख सकते हैं। एवोल्यूशनरी ट्री में देखें तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों का कोई कॉमन एंसेस्टर होता होगा। पिनाकोडर्म और क्वाइनोडर्म के दरमियान एक जेली लाइक मैट्रिक्स मौजूद है जिसे हम मेसेनकाइम कहते हैं। याद रहे कि ग्रेट रेडिएटा या फाइलम नाइडेरिया में इस मिडल लेयर के लिए आपकी बुक ने मेसोग्ली का वर्ड यूज़ किया है। फ़र्क ये है कि मेसेनकाइम वो मैट्रिक्स है जिसमें लिविंग सेल्स भी मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर अमीबोसाइट्स, जिन्हें हम आर्कियोसाइट्स भी कहते हैं, और इसके अलावा स्पाइक्यूलोसाइट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। अगर सेल्स के बगैर मैट्रिक्स हो तो फिर इसे मेसोग्ली कहते हैं, इसलिए ये वर्ड ग्रेट रेडिएटा के लिए यूज़ होता है। और मॉडर्न रिसर्च के बाद स्पंजेस के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की गई है जिसे मेसोहाइल कहते हैं। ये टर्म स्पेसिफिकली स्पंजेस के लिए कॉइन की गई है। स्पंजेस में एक बॉडी कैविटी मौजूद है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूस है, इसे हम स्पंजोसील कहते हैं। स्पंजोसील में पानी ऑस्टिया नामी छोटे पोर से दाखिल होता है और ऑस्किलम नामी लार्ज मेन ओपनिंग से खारिज होता है। इस एक्सपेरिमेंट में जब हम फ्लोरिसिन डाई स्पंज बॉडी की बेस के करीब इंजेक्ट करते हैं तो स्पंज इसे फौरन पंप करके ऑस्किलम से बाहर निकाल देता है। अब सवाल ये है कि इस पानी की पंपिंग होती कैसे है। क्वाइनोडर्म लेयर के सेल्स यानी कॉलर सेल्स के फ्लैजिला जब बीट करते हैं तो वो पानी को एक डायरेक्शन में धकेलते हैं और एक वाटर करंट सेटअप हो जाता है। इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन्स तो मौजूद हैं, ताहम कोई बाकायदा नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं। स्पंजोसील आगे 3 टाइप्स ऑफ कनाल सिस्टम्स में डिवाइडेड है। एस्कन टाइप कनाल सिस्टम में स्पंजोसील एक ही बड़ी सी कैविटी का नाम है, जैसा कि हमें ल्यूकोसेलेनिया स्पीशीज़ में नज़र आता है। यहाँ स्पंजोसील फ्लैजिलेटेड है। स्पंजोसील मज़ीद आगे कनाल्स में डिवाइडेड हो सकती है। मिसाल के तौर पर साइकन टाइप कनाल सिस्टम में पानी इंकरेंट कनाल्स के डर्मल ऑस्ट्रिया के थ्रू रेडियल कनाल्स में एंटर होता है। यहाँ रेडियल कनाल्स तो फ्लैजिलेटेड हैं मगर मेन बॉडी कैविटी फ्लैजिलेटेड नहीं। ल्यूकन टाइप कनाल सिस्टम में स्पंजोसील आगे मजीद इंकरेंट कनाल, एक्सकरेंट कनाल्स और फ्लैजिलेटेड चेंबर्स में डिवाइडेड होते हैं, मिसाल के तौर पर स्पंजिला या बाथ स्पंज।
यहाँ से हमें यह भी मालूम होता है कि एस्कन टाइप कनाल सिस्टम और साइकन टाइप कनाल सिस्टम वाले स्पंजेस यानी ल्यूकोसिलिनिया और साइकन रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि इनका बॉडी ट्यूब लाइक होता है, लेकिन ल्यूकन टाइप कनाल सिस्टम वाले स्पंजेस जैसा कि बाथ स्पंज अपने कम्प्लेक्स कनाल सिस्टम की वजह से एसिमेट्रिकल होते हैं यानी इनमें कोई सिमेट्री नहीं। स्पंजेस में दाखिल होने वाला पानी अपने साथ डेट्राइटस यानी डेड डिकेइंग मटेरियल और फाइटोप्लैंकटन और ज़ूप्लैंकटन लेकर दाखिल होता है। क्वाइनोसाइट्स के स्टिकी कॉलर्स जो कि विलाय पर मुश्तमिल है इस फूड मैटर को इंगल्फ करने में मदद करते हैं। इसी तरह वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली स्पंज सरफेस से डिफ्यूज़ हो जाता है या फिर स्पंजोसील में डिफ्यूज़ होकर ऑस्किलम से बाहर आ जाता है। स्पंजेस का स्केलेटल स्ट्रक्चर दो तरह का हो सकता है, या तो यह स्पाइक्यूल्स पर मुश्तमिल होगा या स्पंजन फाइबर्स पर। स्पाइक्यूल्स स्पंज बॉडी को हार्डनेस देते हैं और स्पाइक्यूल्स दो तरह के होते हैं। स्पाइक्यूल्स अगर कैल्शियम कार्बोनेट से कंपोज्ड हों तो इन्हें कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स कहेंगे और अगर ये सिलिसिक एसिड से कंपोज्ड हों तो इन्हें सिलिशियस स्पाइक्यूल्स कहेंगे। सिलिशियस स्पाइक्यूल्स की सबसे अच्छी मिसाल हमें वीनस फ्लावर बास्केट या यूप्लेक्टेला में नज़र आती है। स्पंजन फाइबर्स एक सिल्क लाइक स्क्लेरोप्रोटीन से बने होते हैं जो कि कॉलेजन की एक मॉडिफाइड टाइप है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल स्पॉन्जिला या बाथ स्पंज है। अनलाइक स्पाइक्यूल्स ये फाइबर्स इलास्टिक होते हैं और बाथ स्पंज इसकी वजह से सॉफ्ट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपकी बुक में टू मेथड्स मेंशन हैं जिनमें से एक एक्सटर्नल बडिंग जबकि दूसरा इंटरनल बडिंग है। अभी इन दोनों को देख लेते हैं। एक्सटर्नल बडिंग में स्पंज बॉडी पर एक आउटग्रोथ बन जाती है जो बाद में बड़ी होती चली जाती है। ये बड पिनाकोडर्म के बल्जिंग या इस तरह उभरने से बनता है कि ये बल्ज अपने अंदर पेरेंट से कई अमीबोसाइट्स या आर्कियोसाइट्स रिसीव करता है। अमीबोसाइट्स की इम्पोर्टेंस ये है कि ये डिफरेंशिएट होने की सलाहियत रखते हैं। इवेंचुअली ये बड ऊपर वाले फ्री एंड में ब्रेकिंग से एक सुराख पैदा करता है जिसे हम ऑस्किलम कहते हैं। ये स्पंज अपने पेरेंट से जुदा भी हो सकता है और अटैच भी रह सकता है। इंटरनल बडिंग हमें मेनली तौर पर फ्रेश वाटर स्पंजेस में नज़र आती है। इन बर्ड्स को हम गैम्यूल्स कहते हैं। गैम्यूल्स को आपने गैमा कप से कंफ्यूज नहीं करना जो कि आप किंगडम प्लांटी में फाइलम ब्रायोफाइट्स यानी लिवरवर्ट्स में पढ़ चुके हैं। गैम्यूल्स पर एक टफ कवरिंग मौजूद होती है जो इसे डेसिकेशन से बचाती है और एनॉक्सिया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन को भी टॉलरेट करने की सलाहियत देती है। कुछ मरीन वाटर स्पंजेस और तमाम फ्रेश वाटर स्पंजेस अनफेवरेबल कंडीशंस में गैम्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पंज की डेथ के बाद इवेंचुअली पेरेंट बॉडी से डैच होते हैं और फेवरेबल कंडीशंस आने पर न्यू स्पंज में डेवलप हो जाते हैं। गैम्यूल असल में अमीबोसाइट्स पर मुश्तमिल है और इन अमीबोसाइट्स के इर्द गिर्द स्पाइक्यूल्स की एक लेयर मौजूद होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और कॉमन मेथड फिशन या रीजनरेशन है जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ लेंगे। अगर स्पंज बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है तो ना सिर्फ स्पंज इसे रीजनरेट करने के काबिल है बल्कि वो टूटा हुआ पीस भी एक नए स्पंज में डेवलप होने की सलाहियत रखता है। 1907 में विल्सन के कंडक्ट किए गए इस एक्सपेरिमेंट में जब एक स्पंज को ग्राइंड किया गया यहाँ तक कि इंडिविजुअल सेल्स का एक मिक्सचर बच गया तो सेल्स ने रिकॉन्स्टिट्यूट होकर एक क्लस्टर बना लिया जो दोबारा स्पंज बॉडी में डेवलप हो गया। ज़्यादातर स्पंजेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। ये स्पंजेस प्रोटेंड्री का मुजाहिरा करते हैं जो कि सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म की एक किस्म है। ये टॉपिक बजाते खुद एक वीडियो का मुस्तहिक है तो इस पर बाद में बात करेंगे। प्रोटेंड्री में प्रोटो का मतलब पहले या बिफोर और एंड्री का मतलब मैन या मेल, ये इसके ग्रीक रूट्स हैं। तो प्रोटेंड्रस से मुराद ये ज़्यादातर स्पंजेस अपनी ज़िंदगी का आगाज एज अ मेल ऑर्गेनिज्म करते हैं और बाद में फीमेल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल स्पंज अपने स्पर्म स्पंजोसील में रिलीज करता है जो कि ऑस्किलम से बाहर निकल आते हैं। जब ये स्पर्म किसी फीमेल स्पंज के ऑस्टिया के थ्रू उसके स्पंजोसील में दाखिल होते हैं तो क्वाइनोसाइट्स इन्हें पकड़ लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़ ये क्वाइनोसाइट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं अमीबोसाइट्स में और मेसोहाइल में तैरते हुए इस स्पर्म को एग सेल तक पहुंचाते हैं जो कि मेसोहाइल में ही मौजूद होता है।
स्पंजेस में मेल और फीमेल गैमेट्स एमेबोसाइट्स की डिफरेंशिएशन से ही पैदा होते हैं। अब हम इन्हें गोनैड्स नहीं कह सकते क्योंकि स्पंजेस में कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं। फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा डिवेलप होता है जो कि फीमेल स्पंजोसील में रिलीज कर दिया जाता है। ये लार्वा मूवमेंट की सलाहियत रखता है और ऑस्किलम से तैरता हुआ बाहर निकल आता है। ये इवेंचुअली एक जगह आके सेटल होता है और अडल्ट स्पंज में डेवलप हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज ये लार्वा फुली फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और पार्शियली फ्लैजिलेटेड भी। सेटलिंग के दौरान फ्लैजिलेटेड सेल्स बाहर से अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिए जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और एंड पर आपकी बुक ने चंद एग्जांपल्स और उनके यूजर्स वगैरह लिस्ट किए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।